साथियों, आजादी के बाद ये पहला अवसर है जब हम अपने नदी मार्ग को व्यापार के लिए, कारोबार के लिए इतने व्यापक स्तर पर इस्तेमाल करने में सक्षम हुए हैं। आप काशीवासी साक्षी हैं कि 4 वर्ष पहले जब मैंने बनारस और हल्दिया को जल मार्ग से कनेक्ट करने का विचार रखा था तो किस प्रकार इसका मजाक उड़ाया गया था, तमाम नकारात्मक बातें कही गई थी। लेकिन थोड़ी देर पहले कलकत्ता से आए जहाज ने आलोचना करने वालों को खुद ही खुद जवाब दे दिया है। देश का ये पहला कंटेनर वेसल सिर्फ माल ढुलाई की एक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं, न्यू इंडिया के न्यू विजन का ये जीता जागता सबूत है। ये उस सोच का प्रतीक है कि जिसमें देश के संसाधनों और देश के सामर्थ्य पर भरोसा किया जाता है। भाइयों और बहनों, आज वाराणसी में जो कंटेनर वेसल आया है इसमें कोलकाता से औद्योगिक सामान आया है और यहां से ये जहाज फर्टिलाइजर लेकर के वापस जाएगा। यानी यूपी पूर्वांचल में फर्टिलाइजर समेत जितने भी कारखाने हैं वहां बना सामान अब सीधे पूर्वी भारत के बंदरगाहों तक पहुंच पाएगा। ये सिर्फ एक उदाहरण है, वो दिन दूर नहीं जब वाराणसी और आसपास के इलाकों में होने वाली सब्जियां, अनाज, मेरे बुनकर बंधु भाइयों के द्वारा बनाई गई चीजें इसी जलमार्ग से जाया करेगी। आप सोचिए, यहां के किसानों के लिए, लघु उद्योगों से जुड़े लाखों लोगों के लिए कितना बड़ा रास्ता खुल रहा है। अपने उद्योगों के लिए, कृषि के लिए इनपुट मंगाने, कच्चा माल मंगाने और फिर उसमें वैल्यू एडिशन करके उसे वापस भेजने में इस जलमार्ग की बहुत बड़ी भूमिका होगी। आपका प्यार, आपका उत्साह, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बोलने दीजिए, और लोग भी सुनना चाहते हैं। आपके उत्साह के लिए, प्यार के लिए मैं हृदय से आपका बहुत आभारी हूं। लेकिन ये ऊर्जा थोड़ी बचाए रखिए, 19 तक जरूरत पड़ेगी। तो मैं शुरू करूं भाइयों, मैं बोलूं, आप शांति से सुनोगे या फिर मोदी मोदी करते रहोगे? मैं आपका बहुत आभारी हूं नौजवानों, इतने प्यार के लिए, इतने उत्साह के लिए। लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में आज काशी के लोग ये एक बात की बारीकियों को जानना समझना चाहते हैं, और इसलिए ये बदलाव कैसे आ रहा है, ये बदलाव कैसे आने वाला है, उसको मैं जरा बारीकी से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आने वाले दिनों में जब वाराणसी में बने
मल्टी मॉडल टर्मिनल से रोरो सर्विस शुरू होगी तो लंबी दूरी तय करने के लिए आपको एक और नया विकल्प भी मिलेगा। बड़े बड़े ट्रैक्टर, ट्रक, बस, कार सीधे जहाज के माध्यम से दूसरे शहरों तक पहुंच जाएंगे। साथियों, आज जितना सामान इस जहाज में आया है उसे अगर सड़क से लाया जाता तो इसके लिए 16 ट्रक लगते, 16। इतना ही नहीं, जल मार्ग से लाने की वजह से प्रति कंटेनर लगभग 4,500 रुपये की बचत भी हुई है। मतलब ये जो सामान आया है 70-75 हजार रुपया सीधा सीधा बच गया है। यानी कुल मिलाकर इस जलमार्ग से समय और पैसा बचेगा, आपको हर 2 मिनट के बाद जुस्सा आ जाता है। आप हजारों हैं, मैं अकेला हूं। दोस्तों, मैं आपके प्यार के लिए बहुत आभारी हूं। देखिए इस जलमार्ग से कितनी मदद होने वाली है। सड़क पर भीड़ भी कम होगी, ईंधन का खर्च भी कम होगा और गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण से भी राहत मिलेगी।